अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। डेली ईद तो मसरूफियात पे गुजर गई क्योंकि फुप्पी के घर दावत थी। पिछले साल मैंने आपका वहाँ का व्लॉग शेयर करा था और ये दूसरी ईद है और ये 6 बजे का टाइम है। ये हम लोगों ने जानवर लिया है, गाय। ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी है। और अब इसको ज़िबा करेंगे और सबकी दावत भी है। और अब भी यहाँ पर पाए सेक रही है और गाय कट चुकी है। अब अभी यहाँ पाए सेक रही है और ये भेल कलेजी और ये फेफड़ा वगैरह ये सब कटिंग करेगी। और यहाँ पर मैंने कलेजी बनाई है, ये पक रही है अभी। और फुप्पी वाले आएंगे, भाई के दोस्त आएंगे और मोहल्ले में भी तकसीम करेंगे क्योंकि जिसके कुर्बानी नहीं होती उनका दिल करता है खाने का, तो इस वजह से हम सबको भेजते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा बनाई है। इसमें मैंने प्याज फ्राई करके ज़ीरा डाला था, साबुत ज़ीरा, और गोश्त डाल दिया था और कलेजी और गोश्त ये सब डाल दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से गलने दिया था, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और इसको पकने दी थी अच्छी से। और ये गोश्त बांटने के लिए शोपे बना रहे भाई और अभी वगैरह सब मिल के बना रहे हैं। ये हम सब जगह तकसीम करेंगे और गरीबों में भी देंगे क्योंकि उन लोगों को कुर्बानी नहीं होती, तो हम लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए। और ये कलेजी गल चुकी है, अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने धनिया डाला है किसी भी मिर्ची डाली है। हल्दी डाली है। कुटी हुई मिर्ची डाली है। हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। और नमक डाला है। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि मैंने पहले डाला था और इसको अच्छे से भून लेंगे। Thank you.
एलर्जी बन चुकी है। तैयार हो गई और यहाँ मैंने खीर भी तैयार कर ली है, अब लियाज लगवाएंगे। कलेजी भी निकाल लिया है यहाँ पर और अब प्याज दिलवाएंगे, ये सब मैंने निकाल लिया है। और ये बाबा रियाज दे रहे हैं। जुदा हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, उनकी बहुत याद आती है। तो अल्लाह पाक उन सब की बेसा मफ़रत फरमाए और जन्नत फिरदौस में उन सबको आला वक़ार अता फरमाए। और अब ये सब खाना खा रहे हैं, सबको बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि रास्ता नहीं करा था किसी ने भी, क्योंकि गाय कर रही थी तो उसी पे लगे हुए थे, काम पे लगे हुए थे सब। और अब ये सब खाना खा रहे हैं माशाल्लाह से।